अस्सलाम वालेकुम न्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। आपका रूलिंग प्लैनेट सूरज नाइन्थ एंगल पर आ जाएगा। इट इज़ सो पॉजिटिव। नाइन्थ एंगल इज अ एंगल ऑफ सम बिग कनेक्शंस, सम पावरफुल पीआर, सम ओवरसीज ट्रैवलिंग, सम टाइप ऑफ पावरफुल अचीवमेंट इन योर बिलीव्स, कुछ एजुकेशनल एक्टिविटीज, काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। बट अगली दो खबरें थोड़ी कमज़ोर हैं आपके लिए। 22 मार्च को मार्स नाम का एक प्लैनेट आपके एट्थ एंगल पर चला जाएगा एंड दैट लिटिल बिट वीक न्यूज़। वहां पर आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स या फिर कुछ मर्ज या इरादों की कुछ कमज़ोरी, दैट इज़ लिटिल बिट पॉसिबल। एंड तीसरी खबर, बज़ाहिर वो नेगेटिव है लेकिन वो नेगेटिव होगी नहीं। 25 मार्च को चांद ग्रहण होगा। चांद ग्रहण लिब्रा एंगल पर है, आपके लिए कोई ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। दूसरा, वो पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। एंड तीसरा, रमज़ान की बरकतों की वजह से उसका कोई भी नहुसत, उसकी कोई भी नेगेटिविटी आपकी ज़ात तक नहीं आएगी। एस्ट्रोलॉजिकली इट इज़ प्रूवन बाय द रिसर्चेस के उसके इम्पैक्ट्स आते हैं, लेकिन जितने भी वो इम्पैक्ट्स आएंगे वो बहुत थोड़े हैं। एंड रमज़ान की बरकतें बहुत ज़्यादा हैं आपके पास। आपका रूलिंग प्लैनेट बड़ी पावरफुल पोजीशन पर है। एंड फिर ल्यूज़ के अपने इरादे, ल्यूज़ की अपनी नेचर इन सब चीज़ों को कवर कर जाएगी। सो डोंट यू वरी अबाउट द लूनर एक्लिप्स। पाकिस्तान में ये 9:53 पर होगा और 2:32 पर रहेगा। डे टाइम है तो वो एक ऐसे एंगल पर होगा जहाँ हमें नज़र नहीं आएगा। वेस्ट एरियाज़ में, इवन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, यूएस, इन एरियाज़ में नज़र आएगा। तो वो वहाँ के जो मुसलमान हैं वो अपने एतबार से जो नमाज आयत पढ़नी होती है वो ज़रूर पढ़िए, बट पाकिस्तान में क्योंकि ये इवेंट है नहीं। योर रूलिंग प्लैनेट सन इस साल पहली दफ़ा आपके नाइन्थ एंगल को ज्वाइन करेगा और आखिरी दफ़ा करेगा। 30 दिनों के लिए नाइन्थ एंगल को ज्वाइन करेगा। अगले साल फिर फरवरी में आपके नाइन्थ एंगल पर आएगा। तो अगले 30 दिन आपके डिसीजंस के दिन हैं। डिसीजन अबाउट करियर, डिसीजन अबाउट एजुकेशन, डिसीजन अबाउट ट्रैवलिंग, डिसीजन अबाउट योर वीकनेसेस। इन चार सेक्टर्स को समझिए। अगर ट्रैवल करना है तो ये 30 दिन बेहतरीन प्रिपरेशंस के लिए। ट्रैवल इन 30 दिनों में नहीं होगा, वो थोड़े अरसे बाद होगा, लेकिन इरादे मजबूत किए जा सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन की जा सकती है, प्रिपरेशंस की जा सकती है, तमाम तरह की। दूसरा, इट इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर योर हायर एजुकेशन। तो तमाम वो लोग जिन्होंने सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम्स की डेट्स लेनी हैं, जिन्होंने आला तालीम के लिए कुछ अपनी कॉन्सनट्रेशन मेंटेन करनी है, दिस इज़ आइडियल टाइम। ऐसे लोग जो अपने इरादों में, बिलीव्स में हिचकिचाते रहते हैं, कभी सोचते हैं ये सही है, कभी सोचते हैं ये सही है, कभी दोनों के दरमियान में कुछ उलझे रहते हैं, सो दिस इज़ अ टाइम व्हेन यू आर परफेक्टली ऑलराइट इन योर बिलीव्स। आपको अपनी स्ट्रेंथ भी पता होगी, अच्छे और बुरे की तमीज़ भी होगी एंड कामयाब फैसला लेंगे।